भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की वो राजनीतिक यात्रा जिसको लेकर के आपके दिन की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बिहार और केंद्र दोनों जगह हलचल मची हुई है। एक हलचल तो कल मची हुई थी जब प्रधानमंत्री से मिलने बिहार से एक दल जाता है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और उसमें 10 दलों के नेता होते हैं, कुल 11 लोग मिलने जाते हैं और मामला रहता है जातीय जनगणना कराने का मुद्दा। इसको लेकर के बिहार में उथल पुथल मची हुई है और सभी दल, अगर भारतीय जनता पार्टी को भी कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जो अब ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया ही कि नीतीश कुमार का ये शक्ति परीक्षण भी था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी स्वीकार्यता को लेकर के भी प्रश्न खड़े करने के लिए गए हुए थे। नीतीश कुमार को लेकर के हमने कई बातें आपको बताई हैं और हमने कल खूंटा ठोक में भी आपको इस बात की तस्दीक कराई है, इस बात से रूबरू कराया है कि किस तरह से नीतीश कुमार अवसर को अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा ही अवसर है जिसमें लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 16 सालों से लगातार नीतीश कुमार जी सत्ता पर काबिज हैं और अपने हिसाब से बिहार में सत्ता का संचालन और मुखिया कौन होगा, कैसे रहेगा और किस स्थिति में रहेगा उसका फैसला करते हैं। इसके लिए चाहे जितना भी कोई मजबूत अपने आप को कहे लेकिन नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए उसकी मजबूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने एक ही खूंटा पे बांध रखा है पिछले 16 सालों से। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थी। माहौल उस समय जब बदल गया जब प्रधानमंत्री ने एक सवाल और एक बात पूछ दी। आपको बता दें कि चर्चाएं बहुत थी कि किस तरह से सारे लोग गए थे, डिमांड क्या था। इस पूरे चर्चा के बीच में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अवसरों को अपने हिसाब से ढालने के माहिर माने जाते हैं, उन्हें तो शो मैन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर राज कपूर को कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया के शो मैन थे तो वैसे ही राजनीति के शो मैन वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। सभी दलों के नेताओं के साथ लगभग 42 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत किया। 11 बजे के पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उस हॉल में पहुंच गया था जहां बैठक होनी थी और उस मसले पर बातचीत होनी थी। प्रधानमंत्री ठीक 11 बजे आए, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल सभी लोगों को प्रधानमंत्री ने परिचय के साथ साथ विधिवत अभिवादन किया और इस दौरान ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। कांग्रेस के कुछ कागज जरूर दिए अलग से। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर जाति आधारित जनगणना के समर्थन में अपनी बात रखी। उसके बाद बारी बारी से सभी लोग बातचीत कर रहे थे। इन सारी बातों के बीच कई पुराने और नए आंकड़ों को लेकर के भी चर्चाएँ चली। कहा जाने लगा कि आज़ादी के पहले 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसके बाद देश का विभाजन भी हुआ, उस पुराने आंकड़े पर ही अभी वर्तमान समय में भी काम चल रहा है, इसका कोई उचित डाटा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि जाति आधारित जनगणना की जानी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में हमने आपको खबरों के माध्यम से पहले ही बताया था कि ये एक तरह से समझिए तो जातीय जनगणना के साथ साथ एक पावर गेम भी चल रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को इस देश का सबसे बेहतर और सर्वमान्य नेता बनाने में की होड़ में लगे हुए हैं, जहां एक तरफ उनकी स्वीकार्यता को लेकर के इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जितने भी घटक दल हैं वो सारे लगे हुए हैं, इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं भी जब भी ज़रूरत महसूस होती है तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं और वो भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने का कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। एक ऐसा ही अवसर था जिसको लेकर के सर्वदलीय लोगों को लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए तो यहाँ सीधी तौर पर नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत और अपनी स्वीकार्यता और अपनी जो लोगों के बीच में जो
उनकी पहचान है उसको लेकर के भी वो बहुत तरह की चीज़ें दर्शाना चाहते थे। एक स्वर में सभी लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे थे। जो बिहार से सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता है कि किस तरह से ये सारी घटनाएं हुई थी। इस बीच में कई ऐसी बातें आई थी जिसमें कहा यहाँ तक जा रहा था कि क्या बिहार में सत्ता बदलेगी, और सत्ता बदलेगी तो क्या सत्ता बदलने के लिए नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों दो फाड़ हो जाएंगे, आखिर सत्ता का साथी कौन होगा, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि 3 महीने के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक बात जो सबके सामने आई वो ये कि प्रधानमंत्री ने इन्हीं बातचीत के दौरान अचानक से पूछ दिया तेजस्वी यादव से कि लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है। इन सारी बातों को लेकर के अचानक से माहौल जो है पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गया। आपको बता दें कि तब नीतीश कुमार, कहा जा रहा है जो वहाँ मौजूद लोग थे उनका कहना है और सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अचानक से एक ठहराव सा आ गया था। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने गए थे, वहीं प्रधानमंत्री ने ऐसा दाव चला जिसको लेकर के लालू प्रसाद का तबीयत पूछते ही माहौल बिल्कुल अलग हो गया। यानी कि अब इस बात के तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिखाना चाह रहे थे वो उसमें सफल हो गए हैं। क्या ये लग रहा है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे वहीं नहले पे दहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार दिया है, क्या आप सोचते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।